बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपने मिशपीक ऑनलाइन ट्रेनिंग सवाल की तरफ से आपको खुश आमदीद कह रहा हूँ। दोस्तों आज की हम आर्टगढ़ की 19वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों डायमेंशन जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी ड्राइंग का, आर्टगढ़ में किसी भी मटीरियल या किसी भी ड्राइंग का जो एक्चुअल साइज होता है उसको हम डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग का। किसी भी अगर ड्राइंग का अगर आपको साइज़, उसका एरिया वगैरह मालूम नहीं, तो आप उसको किस तरह से ड्रा करेंगे, उसके लिए डायमेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डायमेंशन को, जो डायमेंशन बनाना, डायमेंशन लगाना, उसके बारे में बात करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले ऐसे बेरवाइज नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर मेरी ड्राइंग ओपन है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई थी। तो मैं इसकी डायमेंशन लगाता हूँ। सबसे पहले हमने देखना जी के सबसे पहले हमारे पास ड्रा का टूल बार था, उसके बाद मॉडिफाई, फिर एनोटेशन। एनोटेशन में आप देखें यहाँ पर टेक्स्ट है, डायमेंशन है, लीनियर है, लीडर है। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर चलती है वो डायमेंशन हम चेक करते हैं जी। तो मेरे पास ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है और उसकी मैंने डायमेंशन दी है। डायमेंशन लेने के बाद मैं इसका साइज चेक कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये देखें जी, साइज मैंने ये डायमेंशन दी थी इसकी 3260.0000। और अगर हम ये वो है जी, आप एक्चुअल अगर साइज देना चाहते हैं तो, और लीनियर जो है वो ये वाली है, अगर आप लीनियर भी लगाना चाहें तो वो भी हम लगाते हैं। ये मैंने लीनियर लगाई और यहाँ पर देखें ये भी सेम एज इट इज़ है जी, कि इसका भी साइज़ जो है वो बहुत कम है 40। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमने इस सेटिंग में जाना है, डी इंटर करना है, और ये इसका एक्चुअल साइज़ है। तो अनोटेटिव का जो स्टैंडर्ड चल रहा है आर्ट स्टाइल में है। अभी हम बनाएंगे जी न्यू में बनाएंगे जी, और यहाँ पर लिखेंगे जी डायमेंशन। उसकी सेटिंग्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने इसमें जो फर्स्ट पे करनी है वो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कौन सा, हमने टेक्स्ट में आ जाना है। जैसे हम टेक्स्ट में आए तो उसमें टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट कलर है, फिल कलर है, टेक्स्ट हाइट है, और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, सेंटर है, व्यू डायरेक्शन और ऑफसेट ऑफ डिम लाइन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, कि मेरे पास है स्टैंडर्ड, इससे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। हम टेक्स्ट का स्टाइल जो है स्टैंडर्ड ही रहने देंगे, टेक्स्ट का कलर जो है वो भी स्टैंडर्ड ही रहना चाहिए देंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन कर लिया। उसके बाद फिल कलर जो है वो एज इट इज रहने देते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो है जी हाइट, यानी कि टेक्स्ट हाइट जो है वो क्या है। तो हम इसकी टेक्स्ट हाइट जो है वो हम बढ़ाते हैं, टेक्स्ट हाइट हम रखेंगे जी 3। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट हाइट जो है वो हमारे पास से सामने आ गई। अभी हम उसके बाद आ जाते हैं जी टेक्स्ट हाइट की बात है जी, टेक्स्ट प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट प्लेसमेंट में हम आएंगे जी वर्टिकल, वर्टिकल में हम सेंटर में नहीं रखेंगे, मैं रखूँगा इसको अबव। अगर आप अबव रखेंगे तो ये जो हाइट है वो डायमेंशन लाइन के ऊपर आएगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल हम सेंटर की रहने देंगे। उसके बाद ये व्यू डायरेक्शन, इसको भी हमने कुछ नहीं करना। उसके बाद है जी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी एक्स लाइन, थ्रॉ डिम लाइन, इसको हम चेक लगा के रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है जी। इसको हम चेक, हमने चेक लगा दिया। उसके बाद हम आ जाएंगे जी लाइन्स पे। लाइन में आने के बाद हमने क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन, ये है ये डायमेंशन लाइन, ये इसका कलर है, ये लाइन टाइप है, ये लाइन विड्थ है। उसके बाद जी एक्सटेंशन लाइन, इसका हम कलर पहले चेंज करेंगे। कलर हम इसका करते हैं जी, ये पहले हमने किया था जी ग्रीन है, अभी हम ब्लू कर देते हैं। इसको ओके किया।
उसके बाद लाइन टाइप एज इट इज ही रहने देंगे, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, तो ये डायमेंशन का जो साइज है वो ड्राइंग से आगे कितना होगा, तो ये पॉइंट पॉइंट में लिखा हुआ, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद है दूसरा, यानी कि ये है जी कि डायमेंशन से साइज जो है वो कितना आगे जाएगा, तो इस हिसाब से तो मैंने 1.0 कर दिया। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको भी हम 1 कर देते हैं जी, इसको भी 1 कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे जी हम प्राइमरी यूनिट्स में, यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स में आने के बाद हम यहाँ पर इस ट्रेलिंग पे चेक मार्क लगा के रखेंगे। जैसे ही हम इसके चेक मार्क लगाएंगे जो एक्स्ट्रा जीरो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे, मींस कि अगर कोई नंबर है तो वो एज इट इज ही रहेगा, और अगर वो जीरो होगा तो वो उसको शो नहीं करवाएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी डायमेंशन जो है वो ओके मैंने कर दी है, अभी यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पर रिमूव करता हूँ। मैंने यहाँ पर रिमूव किया तो यहाँ पर हम दोबारा से लीनियर में आते हैं साइज। तो अभी यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद जितने भी साइज है वो उसने बता दिए। यहाँ पर आप इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये पहले जो था, अगर हम मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, स्टैंडर्ड पे आते हैं क्लोज और लीनियर पे, तो ये मेरे पास है साइज जो है वो भी बढ़ गए, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपने ये तीन चार ये चार सेटिंग्स करनी है, ये चार सेटिंग्स करने के बाद आप अपनी डायमेंशंस देंगे। तो मैं जल्दी से डायमेंशन दे लेता हूँ, लीनियर की साइड लाइन ये वाली 19.1, इसको मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, इससे हमारी जो लाइन है एज इट इज ही रहेगी। तो मैं लीनियर 18, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात हो कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।